हल्द्वानी के मेडिकल कॉलेज में रैगिंग से मचा हड़कंप, छात्रों को किया गंजा। हल्द्वानी के राजकीय मेडिकल कॉलेज में एक बार फिर से कथित रैगिंग का मामला सामने आया है, जो अब सुर्खियों में बना है। इस बार मेडिकल कॉलेज के छात्रों को गंजा करवाकर घुमाया गया, जिसकी फोटो और वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों का लाइन में चलने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें छात्रों द्वारा अपना सर झुकाया गया है और सभी छात्रों के बाल कटे हुए हैं। इनमें से कुछ छात्र ऐसे हैं जिन्होंने एप्रन पहना है और वो अपने कंधे पर बैग लटका कर आगे की तरफ पढ़ रहे हैं। रैगिंग वाले MBBS प्रथम वर्ष के हैं। सूत्रों की माने तो छात्रों को बाल कटवाने के निर्देश सीनियर छात्रों ने दिए, जिसे रैगिंग से जोड़कर देखा जा रहा है। इस मामले में सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह का कहना है, मामला उनके संज्ञान में मीडिया के द्वारा लाया गया। इस मामले में वो मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य अरुण जोशी से बात करेंगी। फिलहाल इस मामले में किसी भी छात्र की तरफ से रैगिंग से जुड़ी कोई भी तहरीर मेडिकल कॉलेज को नहीं दी गई, साथ ही तहरीर आने पर कार्यवाही होगी। नवभारत समाचार हल्द्वानी से आशा रावत की रिपोर्ट। सोशल मीडिया और न्यूज़पेपर, इसके माध्यम से ही ये बात संज्ञान में आ रही है कि सुशीला तिवारी में रैगिंग संबंधी प्रकरण प्रकाश में आया है, लेकिन इसके संबंध में अभी तक किसी के द्वारा कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। इस संबंध में प्राचार्य महोदय जी से भी बात हुई है और उनके पास भी अभी तक किसी ने कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है। फिर भी चूंकि एक मामला आया है, तो इसके संबंध में जो भी कॉलेज की कमेटी होती है उसके अंतर्गत इसकी जाँच करा ली जाएगी। देखिए, अगर बिल्कुल अगर कोई शिकायत आती है और जाँच के दौरान कोई इसमें दोषी पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध जो भी नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई है वो की जाएगी। हमारे संज्ञान में तो जो है कोई रैगिंग का कुछ प्रकरण जो है अभी तक हमारे सामने तो आया नहीं। यदि जांच करेंगे, यदि ऐसा लगता है कि रैगिंग का मामला है, तो उसमें कार्रवाई किया जाएगा। वहीं सर, आप कह रहे हैं कि यहाँ पर रैगिंग का कोई मामला नहीं है, लगातार यहाँ पर 27 से 28 बच्चे मुंडन करा के यहाँ पर दिख रहे हैं जो वीडियो में जो वायरल हो रही है, क्या कहना चाहेंगे इसमें? कुछ बसों से पूछताछ किया गया था, उसमें ये है कि बच्चों का खुद अपने स्वेच्छा से अपने बाल कटवाए। उनका कहना था कि गर्मी की वजह से हम बाल कटवा रहे हैं और साथ में फाउंडेशन कोर्स है जो नया NMC के अकॉर्डिंग हो रहा है, उसमें डिसिप्लिन के लिए कहा जाता है, शायद उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा किया होगा बाल।